आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले उन सभी योद्धाओं को जिनका नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट पे तो नाम आएगा आपका, लेकिन आप फ्रंट वॉरियर्स हैं। 3500 पीबी कल तक जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, ये इतिहास में इनका नाम, सिर्फ वेबसाइट पे इनका नाम नहीं आएगा, इतिहास में इनका नाम आने वाला है कि इन्होंने आगे चलकर लीड किया था अपनी टीम को। दे आर द लीडर्स, दे आर द ट्रू लीडर्स। तो ये लीडरशिप दिखाने के लिए आप सभी को मैं एक बार फिर से तहे दिल से बधाई देता हूं। और ये 3500 पीवी करके दोस्तों आपने किस चीज की नींव डाली है, आज मेनली हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज ये 3500 पीवी करके कौन सा सिस्टम आप क्रिएट करने वाले हैं, क्या फायदा आपके नेटवर्क में मिलने वाला है। आज का पूरा सेशन सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, रियली आपने कुछ ऐसा किया है कि आप इतिहास बनाने जा रहे हैं दोस्तों। और इस 3500 पीवी के जो इस क्रांति के जो सूत्रधार रहे हैं, मैं चाहूंगा हम सबकी तरफ से, आप सभी की तरफ से, आप जहां कहीं भी हैं, एक दिल से हार्दिक बधाई हम लोग देंगे श्री के अग्रवाल सर, जो इस क्रांति के सूत्रधार रहे हैं दोस्तों। हमारे अगुवा, हमारे लीडर, बढ़ चढ़ के जिन्होंने बिना अपनी टीम का ही नहीं, पूरे देश को, पूरे भारत देश के लीडर्स को एक सूत्र में बांध दिया कि नहीं, आपको इस चीज को करना है और इसके लीडर वो बने, इसके लिए मैं श्री के अग्रवाल सर को नमन करता हूं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ये आज ढेर सारी बातें होनी है दोस्तों। एवरीथिंग बिगिंस इन थॉट। दुनिया में हर चीज की शुरुआत कहां से होती है, आपके सोच से होती है। डी एक्सचेंज जैसी आज जो जाइंट कंपनी है, 200 देशों में, लगभग 200 से भी ज्यादा देशों में हम लोग, लेकिन ये सारी चीज की शुरुआत कहां से हुई थी, एक सोच से हुई थी। और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब भी है, इसका टाइटल, इसका कवर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सोचिए और अमीर बनिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी होगी, हम तो बस होगी अगर नहीं पढ़ी होगी तो, सोचिए और अमीर बनिए। इसमें नेपोलियन हिल ने दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताया है कि आप दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले एक ही चीज करनी है कि उस बारे में सोचना शुरू कर देना है, और सोच करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, अमीर भी बन सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो ये प्रोग्राम होने वाला है, ये हमारी सोचने की जो क्षमता है और सोचने का जो प्रोसेस है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें कि आज कुछ नया सोचना है, आज रूटीन से कुछ हटके सोचना है। और दोस्तों, जब सोच की बात आती है तो पहली बार हर नई सोच, कुछ भी नया आप सोच लो, कुछ भी नया प्लानिंग ले आओ, कोई नया काम ले आओ, तो ये फर्स्ट बार में हमें मुश्किल या कई बार तो नामुमकिन सा लगता है। ऐसा लगभग हर बड़े काम के साथ में होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट भारत में सबसे पॉपुलर गेम है, और इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल देना यहाँ पे उचित समझा कि एक जमाना था जब टेस्ट मैच ही ज्यादातर हुआ करते थे, और उन टेस्ट मैचों में 100 रन मारना बहुत बड़ी बात होती थी। टेस्ट मैचों में जो 100 रन मारता था बहुत नाम कमाता था वो, भाई ये सेंचुरी मारते हैं। फिर तो लगा कि यार 5 दिनों में तो 100 रन बना लेता, अभी दिन में 100 रन कैसे बने। लेकिन क्या हुआ, 50 ओवर में भी 100 रन बनाने की लग गई, और लगातार लोगों ने 100 रन बनाने शुरू कर दिए। अब जो काम 100 ओवर में होते थे, 50 ओवर में करने होते थे, अभी कितने ओवर करने थे, 20 ओवर में। 20 ओवर में शुरुआत में लग रही थी यार 20 ओवर में 100 रन कैसे बनेंगे, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि आज 20 ओवर में 175 रन तक का स्कोर किया जा चुका है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि दुनिया में कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, हर रिकॉर्ड टूटने के लिए है, और हर चीज सिर्फ पहली बार मुश्किल होती है। जैसे एक जमाना था जब हवाई जहाज की कल्पना करनी ही बहुत ही बड़ी बात थी, आम आदमी सुन पूरा था। तो अभी क्या है कि हवाई जहाज एक बहुत ही सामान्य चीज है, और हवाई जहाज तो क्या, अभी सुपरसोनिक जहाज है जो आवाज की स्पीड से भी चलते हैं, और हमें कोई आश्चर्य नहीं है, इतनी कॉमन चीज हो चुकी है ये। ठीक ऐसे ही एक जमाने में सेल्युलर फोन भी अपने आप में बहुत मुश्किल चीज नजर आती थी कि भाई बात करने का एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई तार नहीं है, किसी तरह से आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बात कैसे हो पाएगा, ये नामुमकिन सा लगता था। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही सामान्य बात है, हम सब अपनी जेब में इस चीज को लेकर के घूम रहे हैं। और आजकल तो अभी ऐसा मोबाइल भी आ चुका है जो
फुल स्क्रीन मोबाइल है लेकिन वो भी फोल्ड हो रहा है। लेकिन ये भी हमारे लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रह गई है, एक सामान्य चीज हमारे लिए आज की डेट में हो गई है। और दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना एक नामुमकिन सा काम था, एक मुश्किल सा काम था, लेकिन दो लोग आए और इन्होंने उस नामुमकिन को भी क्या कर डाला, आसान कर डाला। एक बार चढ़ के दिखा दिया कि यह भी नामुमकिन नहीं है, चढ़ा जा सकता है। आज क्या स्थिति है, आज वो इतना सामान्य है कि आप ये देख लो, जैसे लोग अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, वैष्णो देवी यात्रा में जाते हैं, इस तरह से लाइन लगा के लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं। और ये इतना सामान्य हो चुका है कि एक ऐसी लड़की जिसका एक पैर तक नहीं है वो भी चढ़ जाती है। यानी एक ऐसी चीज जो एक समय एक नॉर्मल इंसान के लिए भी नामुमकिन थी, आज एक एक पैर की लड़की के लिए भी सामान्य चीज बन गई है। तो दोस्तों शुरुआत में हर चीज मुश्किल होती है और बाद में वही चीज सामान्य हो जाती है, वही चीज सिस्टम बन जाती है। आज 3500 पीवी का जो सिस्टम आप लोगों ने डेवलप किया है, ये मुश्किल जरूर था लेकिन आने वाले समय में ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा, सामान्य चीज होगी, बड़ी बिजनेस यहां से निकल के आने वाला है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे हम लोग सोच के ऊपर, एक बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे कि आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। दोस्तों आज का पूरा प्रोग्राम आप उसी हाल में बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं अगर आप अपनी सोच को ब्रॉड करके, अपनी सोच को बड़ा करके, अपनी सोच को विस्तरित करके आज बैठेंगे अगर आप, तभी आपको आज का पूरा प्रोग्राम समझ में आने वाला है। क्योंकि आज का ये पूरा प्रोग्राम क्या है, एक सोच है। जैसे एक समय माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना एक सोच थी लेकिन आज लोग लाइन लगा के चढ़ रहे हैं, तो आज का जो ये पूरा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये एक सोच है। लेकिन ये सोच को करने वाला अगर एक व्यक्ति मिल जाता है जो इस सोच को साकार कर ले, तो नो डाउट आने वाले समय में लाइन लगने वाली होगी इस माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने वालों की। तो इस पंक्ति को हमें समझना है कि आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो आज का पूरा प्रोग्राम क्या होने वाला है आप इस लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल नई सोच के साथ हमें आज इस पूरे प्रोग्राम को सुनना है। आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो आज सारी बातें ऐसी होंगी जो अब तक DXN में हम में से किसी ने सोचा ही नहीं है, उस तरीके से हमने कभी बात ही नहीं की है। दोस्तों हम सभी DXN कंपनी को जानते हैं, इस कंपनी के बारे में आज मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी पावरफुल है, हम सबको खूब अच्छे से पता है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी है, 200 से भी ज्यादा देशों में है, 26 साल से ज्यादा का भी विश्वास है हमारा। तो कंपनी के बारे में आज हम ज्यादा बात करने नहीं जा रहे हैं। आप हमारे महान DXN फाउंडर को जानते ही हैं, डेटो डॉक्टर लिम सियो जिन को, और आज के डेट में हमारे ये ग्रेट फाउंडर एम सैम के गुडविल एम्बेसडर भी है। दोस्तों ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये कोई आम बिजनेसमैन नहीं है कि मार्केट से सामान उठाया उस पर अपना ठप्पा लगाया और बेच रहे हैं। एक विजन वाला लीडर हमारा, हमारे फाउंडर है। तो इनके बारे में भी आज हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं दोस्तों, हम सब इनकी पावर से परिचित हैं और DXN प्रोडक्ट की पावर से तो लगभग हर कोई जो DXN में है वो निश्चित रूप से परिचित है दोस्तों। क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पे मैक्सिमम लीडर्स हमारे प्रोडक्ट की पावर से कन्विंस होके आते हैं, ये सच्चाई है ना। DXN एक ऐसी कंपनी है जहां पे मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट की पावर की वजह से, उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, उन्हें अच्छा लगा और धीरे धीरे रिकमेंड करते करते कल को वो नेटवर्कर में तब्दील हो जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं ढेर सारे, मैं तो समझता हूँ कि अगर हम लोग आंकड़ा निकालेंगे तो शायद 80% या 90% लोग ऐसे ही आपको DXN में मिलने वाले हैं जो प्रोडक्ट की पावर से कन्विंस होकर के इस इंडस्ट्री में आए हैं, DXN सिस्टम में आए हैं। तो इसकी पावर भी आज हम लोग बात करने नहीं वाले हैं दोस्तों। और आप सभी हमारे महान मेंटर्स को तो जानते ही हैं, प्रोफेसर सर रत्ना मैम, हमारे गुरुदेव डॉक्टर एस रंजन सर, हमारे प्रेरणा स्रोत, इनके बारे में भी आज मैं दोस्तों ज्यादा बात करने वाला नहीं। इनकी पावर, इनकी हस्ती आप सभी परिचित हैं। आज हम लोग बिल्कुल एक नई चीज की बात करने वाले हैं कि क्या आप DXN के मार्केटिंग प्लान को, DXN के मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरह से जानते हैं, DXN मार्केटिंग प्लान की पावर को जानते हैं।
क्योंकि दोस्तों मार्केट में जितनी भी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बैठी हैं, सब एक ही चीज की बात कर रही हैं, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। नेटवर्क का बेस ही ड्रीम है। अगर आपके पास बड़ा ड्रीम नहीं हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आप नहीं कर सकते। आप किसी भी गुरु से पूछ लीजिए, ये बातें आपको निश्चित रूप से बताएंगे वो। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ काम शुरू करते हैं, तो आपके गुरु, आपके सीनियर, आपके अपलाइन सबसे पहला काम आपको क्या देते हैं कि पहले अपनी ड्रीम क्लियर करो कि तुम्हें ये काम क्यों करना है। तो दोस्तों इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, ये ड्रीम को जो हमें फुलफिल करना है, कहां से होगा? मार्केटिंग प्लान से होगा। लेकिन क्या हम मार्केटिंग प्लान से अच्छे तरीके से परिचित हैं? क्या हम मार्केटिंग प्लान को जान रहे हैं? क्या आपको पता है कि डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान में कितने तरीके की इनकम आती है? अगर सिम की बात करें दोस्तों, तो 9 तरीके की इनकम है हमारे पास। ये आप सबों ने देखा होगा मार्केटिंग प्लान के अंदर में। लेकिन क्या अभी हम सिर्फ 9 तरीके के ही बोनस मिल रहे हैं? रिटेल सेल्स पे ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, हैंड फंड सेट इंसेंटिव वन टाइम, ओवरसीज ट्रैवल इंसेंटिव वन टाइम। लेकिन आज के डेट में हमारे पास एक और जबरदस्त चीज है जो डॉक्टर लिम ने हमें दी है दोस्तों, इसका नाम है IOC, हमारा 10वें तरह का इनकम। सिंप में 9 इनकम और IOC से 1 इनकम, तो ये हमारा 10वां इनकम बन जाता है। और 10 तरह के प्लान, 10 तरह के इनकम आप इस मार्केटिंग प्लान से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सिंपल लफ्जों में हमारा मार्केटिंग प्लान है, लेकिन क्या आपको DXN के मार्केटिंग प्लान की पावर का अंदाजा है? ये प्लान कितना पावरफुल है दोस्तों, हम सबको पता है ना कि हमारे जो फाउंडर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, एक IIT के बेन हैं, वो वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद से डिजाइन किया हुआ है। तो जब उन्होंने हमें मार्केटिंग प्लान बना के दिया है, तो बहुत सोच समझ के, एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस के साथ में एक बेहतरीन प्लान दिया हुआ है, जिसकी पूरी पावर का कभी हम लोगों ने अंदाजा लगाया ही नहीं है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभव है। आज हमें इसके ऊपर बात करनी है, इसको जानना है, इसको समझना है। और मार्केटिंग प्लान की जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो 10 टाइप के इनकम में से सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की इनकम की बात करने वाले हैं। ओनली वन, पावर ऑफ 1 out of 10। 10 तरीके के इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें से हम किसकी बात करेंगे आज? सिर्फ और सिर्फ एक तरह के इनकम की, ओनली वन। और ये जो इनकम है ना, ये इस रेशियो में आता है, 5, 4, 3, 2, 1। निश्चित रूप से आप सभी इसको पहचान रहे होंगे, ये है हमारा स्टार डेवलपमेंट बोनस, जिसको डेवलपमेंट बोनस के रूप में ज्यादातर हम लोग जानते हैं, स्टार डेवलपमेंट बोनस। दोस्तों 10 तरह के इनकम में से सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ये इनकम कितनी पावरफुल है, कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है, आज के इस प्रोग्राम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और किसी भी कंपनी का प्लान, दुनिया के किसी भी कंपनी का प्लान आप ग्राफ बना के दिखा सकते हो यार, कि जो प्लान DXN फेंक सकती है ना, जो इनकम DXN दे सकती है, मार्केट में कोई नहीं। अगर इसके खूबियों की बात करें हम लोग, स्टार डेवलपमेंट बोनस की, तो दोस्तों ये सबसे सुरक्षित इनकम माना गया है, द मोस्ट सिक्योर्ड। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे नेटवर्क में ऐसे कई सारे लोग हैं, एक दो नहीं, कई सारे, बहुत बड़ी संख्या आई है, ऐसे लोग हैं जो इतना ही PV बनाते हैं जिससे उनको ये पैसा आए, और सालों से आ रहा है, कई सालों से आ रहा है, कई सारे लोगों का घर चल रहा है ड्यू टू ओनली वन इनकम। इसको पेंशन प्लान भी कहते हैं हम लोग, पेंशन के रूप में आता ही रहता है। तो ये सबसे सुरक्षित इनकम है, मोस्ट सिक्योर्ड इनकम हमारे जो 10 तरीके के इनकम है उनमें। इसकी दूसरी खूबी क्या है कि ये 5 लेवल तक बिना कटे मिलता है। अब आपके फर्स्ट जनरेशन में अगर एक बंदा आता है, तो उसे आपका जो ग्रुप बोनस होता है, वो जैसे जैसे उनका परसेंटेज बढ़ेगा, आपसे डिफरेंस उनका चेंज होता चला जाएगा। आप डायमंड हो, एक नए बंदे को जोड़ा फर्स्ट जनरेशन, तो क्या होता है, वो शुरू में 6 पे होता है, फिर 9, 12, 15, आपका 37 से डिफरेंस बदलता रहता है। लेकिन ये लेवल कभी भी कटता बदलता नहीं है, क्यों? फर्स्ट जनरेशन में एक बंदा आपके आ गया है,
तो अब जिंदगी भर वो 5% ही देगा, ये फिक्स हो गया, कभी बदलेगा नहीं। सेकेंड जनरेशन में आ गया है तो वो जिंदगी भर 4% देगा, कहीं से कोई कटिंग होने का कोई भी सवाल इसमें फायदा ही नहीं होता है, इतना सिक्योर्ड है। ये स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता, एक बार 27% आप आ गए, उससे आगे आप बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, आपके नीचे वाले की ग्रोथ आपसे आगे हो रही है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन किसी भी चीज से ये बदलता नहीं है। इसकी चौथी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि सिर्फ एक लाइन चल ले तो भी मिलता है, ओनली वन लाइन। बहुत कम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ऐसा इनकम का प्लान है जो सिर्फ एक लाइन से इनकम देती हो। हमारे पास ऐसे दो दो चीजें हैं जिनमें से हम लोग अभी एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन चले तो भी पैसा आता है। ये कौन सा बोनस है हमारा दोस्तों? डेवलपमेंट बोनस है। यहां पेयर मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप दो पेयर मैच करो, बाइनरी ट्राइनरी कुछ भी मिलाने की जरूरत यहां पे नहीं है। एक बंदा आपके नीचे आ गया काम करने वाला, एक लाइन आपकी चल रही है, उस लाइन से आप परमानेंट इस स्टार डेवलपमेंट बोनस का लाभ ले सकते हो लाइफ टाइम। अगली खूबी इसकी है कि आपकी डाउनलाइन आपसे आगे निकल जाए तो भी मिलता है। ये चिंता बहुत सारे लोगों को होती है कि नीचे वाला आगे भाग रहा है, हालांकि दोस्तों नीचे वाला आगे बढ़ रहा है तो हमेशा ये खुशी की बात ही होनी चाहिए, आपका बच्चा है वो, जितना आगे बढ़े उसे बढ़ने दो। लेकिन फिलहाल अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी जो टॉपिक है वो समझते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपसे आगे निकल जाए, आप 27% पे रह गए और आपका डाउनलाइन डायमंड बन गया, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बन गया, ये इनकम फिर भी परमानेंट लाइफ टाइम जनरेट होती रहेगी आपके लिए। ये खूबी है डेवलपमेंट बोनस की, स्टार डेवलपमेंट बोनस की। और इसकी अगली खूबी है कि इसको क्वालिफाई करना सबसे आसान है। जितने भी हमारे योद्धा हैं जिन्होंने कल 3500 पीवी खुद से किया, अपने दम पे किया है, उनको तो जिंदगी में कभी इसको क्वालिफाई करने का टेंशन नहीं लेना है, वो अपने दम पे लाइफ टाइम क्वालिफाई करें। लेकिन अगर कोई अभी कमजोर भी है, 1000 पे भी खुद से किया, 2000 पे भी दो नए लोगों को जोर के ले आता है, तो वो भी क्वालिफाई कर सकता है। इतना आसान है इसको क्वालिफाई करना। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, जो मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ स्टार एजेंट भी 27% पे आ गया, स्टार एजेंट करोड़ों कमा सकता है। वो करोड़ों कैसे कमा सकता है ये हम लोग आने वाली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। कि केवल 6 लाइन में 5 जनरेशन सिस्टम का डुप्लीकेशन। दोस्तों आप बार बार यहां पे आपको एक चीज सुनने को मिलेगी, एंड दैट इज सिस्टम का डुप्लीकेशन। सिस्टम इस इंडस्ट्री में आपको पैसा कौन देने जा रहा है? सिस्टम देने जा रहा है। तो सिस्टम का सही डुप्लीकेशन, आज के प्रोग्राम की प्रमोशन भी जब आपको मिली होगी विथ राइट डुप्लीकेशन उसमें डाला हुआ था, तो सही डुप्लीकेशन करना अगर आप सीख गए सिस्टम का, तो ये प्लान आपके लिए कितना पावरफुल हो सकता है ये देखना है। केवल 6 लाइन, डॉक्टर लिम बोलते हैं 20 लाइन डेवलप करो, 20 एक्टिव लाइन डेवलप करो, क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, दुनिया के सारे ऐसो आराम सुख भोगो, जगह जगह बड़े बड़े मंचों पे आपकी तालियों से स्वागत होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 6 लाइन भी सिस्टमेटिक चला लेते हैं तो 4 लाख हर महीना आपको डेवलपमेंट बोनस आ सकता है दोस्तों। हेलो, सिर्फ 6 लाइन और 5 जनरेशन में सही डुप्लीकेशन, 4 लाख हर महीने आएगा। कौन सा बोनस? सिर्फ एक बोनस, डेवलपमेंट बोनस। ये हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग सिर्फ एक बोनस की बात कर रहे हैं, वन एंड ओनली, दैट इज डेवलपमेंट बोनस। और ये पूरा कैलकुलेशन है आपके पास, 6x6 का प्लान। आपने 6 नई लाइनें खोली फ्रंट में और उन 6 के नीचे भी अगर 6x6 का प्लान डुप्लीकेट होता है तो लगभग 4 लाख रुपए कौन सा बोनस आएगा दोस्तों आपको? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस, दैट इज मंथली। इसके अलावा आप जोड़ सकते हैं IOC से इनकम आएगी। कितने सारे इनकम बचे हुए हैं अभी? 1 इनकम छोड़ दो, 9 इनकम बचे हुए हैं। और जैसा कि अग्रवाल जी ने एक बड़ा खूबसूरत कैलकुलेशन बताया था कि सर अगर सही डुप्लीकेशन होगा तो सही डुप्लीकेशन जब होगा ना तो जो डेवलपमेंट बोनस आपका आता है उसका लगभग 5 गुना आपका टोटल बोनस होगा।
यानी कि अगर 4 लाख यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट बोनस की बात कर रहे हैं तो इस डुप्लीकेशन के साथ में 5 गुना 4×5=20 20 लाख रुपए की इनकम आप हर महीने जनरेट कर सकते हो, कितने की कितने लाइनों पे काम करके, सिर्फ 6 लाइन पे काम करके विद राइट डुप्लीकेशन। ये इस मार्केटिंग प्लान की पावर है दोस्तों, कि सिर्फ एक बोनस हमारा कितना है 4 लाख 6 लाइन। अभी आप बोलोगे कि नहीं 6 लाइन नहीं चली तो क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग शुरू में ही बात कर चुके हैं कि ये जो बोनस है इसकी खूबी क्या है दोस्तों, कि एक लाइन चलने पे भी आता है। अगर आप 6 लाइन डेवलप नहीं कर पाए और आपने एक बंदे को जोड़ा, वो अपना 6 लाइन डेवलप करने में कामयाब हो जाता है और वो 6×6 का फॉर्मूला मेंटेन कर लेता है, फिर आपकी सिंगल लाइन से क्या हो सकता है, इस सिंगल लाइन से क्या जादू हो सकता है। केवल एक लाइन में 5 जनरेशन सिस्टम का डुप्लीकेशन हो गया तो सिर्फ डेवलपमेंट बोनस लगभग 65,000 रुपए हर महीने आएगा। दोस्तों ध्यान रहे, हम लोग जब भी बात कर रहे हैं सिर्फ एक बोनस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट बोनस, एक लाइन ही चला तो बाकी बोनस छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस इतना है 65,275 रुपए। अगर आपके नीचे सिर्फ एक बंदा आ गया है और उसने अपने नीचे डुप्लीकेशन सही कर लिया, 6×6 के फॉर्मूले पे चल निकला, तो ये दोस्तों पावर है DXN मार्केटिंग प्लान की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो कंपनी ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है 20 लाइन पे काम करने का, अगर हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं 20 लाइन के ऊपर में, तो यहां पे डेवलपमेंट बोनस हमें 5 जनरेशन से आता है, लेकिन अगर 20 लाइन के ऊपर आपने सिर्फ 3 जनरेशन सही ढंग से डुप्लीकेशन कर लिया, सिस्टम का डुप्लीकेशन, तो लगभग 9 लाख रुपए हर महीने आपको आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस। कैलकुलेशन आपके सामने कि आपने 20 लोगों को ज्वाइन कराया और उन्होंने भी 20-20 वाला डुप्लीकेशन किया, तो यहां पे बहुत नीचे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ 3 जनरेशन में अगर आप इसको डुप्लीकेट कराने में कामयाब हो जाते हैं तो लगभग 9 लाख रुपए आपको सिर्फ एक बोनस आएगा, दैट इज डेवलपमेंट बोनस। और दोस्तों जैसा कि मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यहां पे आपकी जो टोटल इनकम होगी वो 9×5 हो सकती है, यानी कि लगभग 45 लाख सिर्फ 3 जनरेशन में सही डुप्लीकेशन करके। और फिर से वही बात आती है, ये अगर एक लेग में ही डुप्लीकेशन हुआ तो क्या होगा, तो दोस्तों DXN वो कंपनी है जो एक लेग में डुप्लीकेशन होने पे भी आपको जबरदस्त इनकम दे सकती है, सिंगल लेग मैजिक, केवल एक लाइन में, ज्यादा नहीं 4 जनरेशन अगर सिस्टम का डुप्लीकेशन हो जाता है तो लगभग 6 लाख रुपए हर महीने आपको आ सकते हैं। कौन सा इनकम, हेलो, ओनली वन इनकम, दैट इज डेवलपमेंट बोनस। एक बार फिर से, स्टार डेवलपमेंट बोनस। दोस्तों याद रहे, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे 10 में से सिर्फ एक इनकम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट बोनस, और वो कैलकुलेशन आपके सामने कि आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया और उस बंदे ने 20×20 को डुप्लीकेट किया तो क्या हो रहा है, लगभग 6 लाख। यहाँ पे कई लेवल पे आपके आने वाले लेवल्स में ना बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर होंगे, और इसका जीता जागता एक एग्जांपल दोस्तों हमारे बिहार में मौजूद है। बिहार में जो आज फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर्स मौजूद है हमारे बिहार के अंदर में, उनके जो स्पॉन्सर है उनके इनकम का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये कितना सटीक है। अभी उनके नीचे सिर्फ एक बंदा क्राउन एम्बेसडर बना है और एक जबरदस्त इनकम को वो एंजॉय कर रहे हैं। कल को जब इस क्राउन एम्बेसडर के नीचे 20 क्राउन एम्बेसडर होंगे तो यहां जो कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों ना, उस बंदे के लिए ये चीजें लाइव होंगी, उसके जिंदगी में ये सारी चीजें होंगी। एक लाइन अगर गलती से आपका चल निकलता है, एक बंदे को गलती से आपने जोड़ दिया और वो बंदा सही डुप्लीकेट करने वाला निकल गया, लाखों रुपए आ सकते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक बोनस से, जिसका नाम है डेवलपमेंट बोनस। और दोस्तों ये सारी जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये सब सिर्फ एक ही ओनली वन 10 में से सिर्फ 1 बोनस, इसका नाम है स्टार डेवलपमेंट बोनस, इसकी पावर है दोस्तों। द मोस्ट पावरफुल पार्ट हमारे मार्केटिंग प्लान का, ये सबसे पावरफुल पार्ट में से एक है, लेकिन हम लोग इसकी केयर लगभग ना के बराबर करते हैं। तो आज के इस सेशन का उद्देश्य है कि हम इस छोटे से दिखने वाले बोनस को बड़ा बोनस कैसे बनाएं, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में ये मोटी कमाई
जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशंस में देखा, ये कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत ही कम संख्या में कर रहे हैं। अगर बिहार की मैं बात करूं तो हमारे क्राउन एम्बेसडर के जो स्पॉन्सर हैं वो कर रहे हैं, सिंगल लेग का मजा ले रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो बहुत कम लोग इस मोटी कमाई का फायदा उठा पा रहे हैं दोस्तों। तो आज हमें यह समझना है कि इस मोटी कमाई का फायदा हम तक कैसे आएगा, हमारी टीम में कैसे आएगा, हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये मोटी कमाई हम तक कैसे पहुंचेगी। तो आज इसके की को हम लोग जानेंगे, इसकी चाबी को आज हम लोग पकड़ेंगे दोस्तों। और इसकी चाबी क्या है? इसकी चाबी है सिंपल सी, डुप्लीकेशन। सिस्टम का सही डुप्लीकेशन। हम सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, TXN में, आपको इनकम कहां से आने वाली है? सिस्टम से आने वाली है। तो अगर आप सिस्टम को खुद फॉलो करते हैं और सही डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि सिस्टम के बारे में क्या कहा दोस्तों, सॉरी डुप्लीकेशन के बारे में क्या कहा दोस्तों, कि इट्स लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, ये बिल्कुल प्राकृतिक नियमों पे चलती है। आप लोगों को अक्सर ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता होगा कि पावर ऑफ वर्ड्स, आप क्या बोलते हो, ये लॉ ऑफ नेचर है। पावर ऑफ सबमिशन, अपने मेंटर के प्रति समर्पित हो जाना, एंड पावर ऑफ यूनिटी, ये कुछ सिंपल सिंपल नेचुरल लॉ है जिनके ऊपर पूरा MLM इंडस्ट्री टिका हुआ है। तो उसमें से एक लॉ है डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन प्रकृति का नियम है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एक जैसा क्लोन तैयार करना। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, हर जीव अपने जैसा दूसरा तैयार कर रहा है। ये प्रकृति ने सिस्टम बनाया हुआ है। भेड़ बकरी के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? भेड़ बकरी जैसे होते हैं। और ऐसा करके वो अपने आप को सुरक्षित कर लेती है इस प्रकृति के अंदर। एक भेड़ के द्वारा दूसरा भेड़ आता है, और अभी क्या है, भेड़ की प्रजाति सुरक्षित है आने वाले समय के लिए। तो दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करते चले जा रहे हैं। तो ये राइट डुप्लीकेशन चलता आ रहा है। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने DNA के बारे में, आप में से कई लोगों को जानकारी होगी, जिन्हें नहीं है वो जान ले कि आपका जो DNA होता है एक मेमोरी की तरह, पेन ड्राइव की तरह, आप लाइफ में जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हो आपका DNA स्टोर करता है और आपकी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना क्लोन तैयार करते जा रहे हैं, अपना डुप्लीकेट तैयार करते जा रहे हैं। दुनिया में हर जीव ऐसा ही करता है। जो जीव ऐसा करना बंद कर देगा ना, वो प्रकृति से बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। पेड़ पौधे भी ऐसा ही कर रहे हैं, आम का बीज डालो आम का पेड़ निकलता है। तो डुप्लीकेशन के द्वारा आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। सेम यही चीज डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क को बचा सकती है। जब आप अपने जैसे लीडर्स को क्रिएट करोगे, अपने जैसे लीडर्स को डुप्लीकेट करोगे, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन किस चीज का करना है? सिंपल चीज है, सिस्टम का डुप्लीकेशन। इस सिस्टम पर विश्वास और सिस्टम का पालन सबसे पहले खुद करना है। अभी बार बार हर मीटिंग में आपको सिस्टम सिखाया जा रहा है, लेकिन ये सिस्टम सबसे पहले अप्लाई कहां पे करना है? खुद पे करना है। सिस्टम का पालन, सिस्टम पे विश्वास, और ठीक इसको डुप्लीकेट करने वाले लोगों की हमें तलाश करनी है और उनके साथ में हमें काम करना है। इट इज सो सिंपल दोस्त, कि हम जो करेंगे उसको डुप्लीकेट करने वाले लोगों की हमें तलाश करनी है। आपने अगर 3500 PV किया है तो आप किसको तलाश करेंगे? 3500 PV करने वालों को। और आप अगर 1000 PV करते हैं तो आप तलाश किसको करेंगे? 1000 PV करने वालों को। तो शुरुआत हमेशा आपसे होगी। पहले आपको विश्वास करना है, आपको पालन करना है, देन आपको अपने जैसे लोगों को तलाश करना है। क्योंकि नेटवर्क का मतलब ये दोस्तों डुप्लीकेट करना। यू कैन डू व्हाट अदर्स डू, अदर्स कैन डू व्हाट यू डू। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग के एक जो बहुत ही बड़े गुरु हैं, एरिक वरी साहब, ये क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन इज जस्ट अनदर जॉब। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आप डुप्लीकेट लीडर्स तैयार नहीं कर रहे हो, आपके टीम में लीडर्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग करना आपका किसी नौकरी करने जैसा ही है, ऐसा कहना है नेटवर्क के महागुरु का।
और एक और बहुत ही जबरदस्त चीज है यहाँ पे कि सक्सेस इज नॉट डिफरेंट देन एनी अदर स्किल। दुनिया में बाकी सारी जो भी स्किल्स होते हैं सक्सेस भी बिल्कुल वैसा ही है। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट द एक्शन एंड माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। क्या करना है हमें? डुप्लीकेट करना है द एक्शंस एंड माइंडसेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड यू विल क्रिएट सक्सेस फॉर योरसेल्फ। हमें कॉपी करनी है, सिंपल भाषा में समझिए, नकल करनी है। किसकी नकल करनी है? जो सफल लोग हैं। आप देख लो आपके नेटवर्क में, आप खोज लो ऊपर किसको देख रहे हो, आप कौन सा बंदा आपको सक्सेसफुल दिख रहा है, किसके जैसा आप बनना चाह रहे हो, वो क्या करता है, वो किस तरह की जिंदगी जी रहा है, वो किस तरीके से बात करता है, उनके स्किल्स को आपको क्या करना है, उनके माइंडसेट को क्या करना है, आपको डुप्लीकेट करना है। और सिर्फ इतना करके आप क्या हो सकते हैं? सक्सेसफुल बन सकते हैं। और डुप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब भी लिखी गई है कि द की टू क्रिएटिंग फ्रीडम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वो क्या चीज है? उसका नाम है डुप्लीकेशन। कि आप आए हैं यहां पे फ्रीडम के लिए, नेटवर्क इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन क्यों किया है, आपको फ्रीडम चाहिए, लेकिन ये फ्रीडम आपको दिलवाएगा कौन? दैट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन इस इंडस्ट्री में आप कितना भी मेहनत कर लो, फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों डुप्लीकेशन वो पावर है कि एक बार इस पावर को यूज करना आप सीख गए तो आप ये छोटे छोटे ड्रीम देखना बंद कर दोगे। कार का ड्रीम, बंगला का ड्रीम, आपका ड्रीम बड़ा हो जाएगा। आप जेट का ड्रीम देखना शुरू कर दोगे, आप अपना जहाज रखने का ड्रीम देखना शुरू कर दोगे, आप अपना हेलीकॉप्टर रखने का ड्रीम देखना शुरू कर दोगे। और ये सब आपको दिलवा सकता है कौन? एक पावर, एक शक्ति, जिसका नाम है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करना। तो इसको अमल में कैसे लाए? सबसे पहली चीज क्या करनी है कि टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस एंड लाइफ। आप अपने जिंदगी के और अपने बिजनेस के मालिक बनिए सबसे पहले, कि क्या आप इस बिजनेस को मालिक जैसा कर रहे हैं। दोस्तों कल बहुत बड़ी संख्या में 3500 पीबी लोगों ने किया है, पर उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको खोजकारना पड़ा है। सीनियर ने क्या किया? फोन कर करके आपने अभी नहीं किया। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो भाई, अगर आपके सीनियर के खोज करने पर, अगर आपके सीनियर के पुश करने पर आप इस बिजनेस में कुछ भी करते हो, सामने मीटिंग देखने के लिए भी अगर आपका सीनियर ही आपको बोलता है, टीवी बनाने के लिए ही सीनियर ही बोलता है, तो क्या आप अपने इस बिजनेस के मालिक हो? क्या यह मालिक वाली सोच है? मालिक आप कब होंगे ना, जब आप खुद से डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हर चीज के लिए आपको सीनियर धक्का दे रहा है तो मीन्स आप बिजनेस में आ गए हो, लेकिन बिजनेस वाला माइंडसेट आपका अभी नहीं है। आप इस बिजनेस को भी नौकरी वाले माइंडसेट के साथ में कर रहे हो, जहां पे जब तक बॉस ने डर नहीं दिखाया तब तक आपने कुछ किया ही नहीं। तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी है, ये आपका बिजनेस है। सबसे पहले हमें क्या करनी है? ओनरशिप लेनी है, अपने डिसीजन लेना है कि नहीं 3500 पीबी तो मैं करूंगा, 1 तारीख को 10 बजे करना है ना, ये मुझे कोई फोन करे या नहीं करे मैं कर लूंगा। देन ओनली आप कह सकते हो कि आप इस बिजनेस में एज ए ओनर काम कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये मालिक वाली फीलिंग आनी जरूरी है कि यार ये मेरा बिजनेस है, इसको बड़ा करने का जिम्मेवारी मेरा है। सेकेंड चीज है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस सर्किल में आना है जहां पे मैजिक होता है, जहां पे जादू होता है। और ये सिंपल है, 1000 PV मतलब कंफर्ट जोन। दोस्तों 1000 PV क्या होता है? एक डब्बा बड़ा स्पलूना ले लो 500 PV, एक चाय, एक पेस्ट, कुछ सा, एक साबुन, ये कुछ सामान लेकर के आपका 1000 PV कंप्लीट हो जाएगा। शायद ही थोड़ा मोड़ा घटे जो ऐड करना पड़ता होगा आप। तो 1000 PV का मतलब है कि आप प्रोडक्ट लाओगे, खाओगे और घर में सो जाओगे मजे में। लेकिन जब आप 3500 PV करके आओगे ना, तो निश्चित है कि ये आप खा के सोओगे नहीं। 3500 PV जब करोगे, बात करने निश्चित रूप से मार्केट में निकलोगे, प्रोडक्ट सेल करने मार्केट में निकलोगे। और दोस्तों बात करने से ही तो बात बनती है, सिंपल चीज है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से क्या करना है? बाहर आना है। कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। दुनिया में जितनी भी बेहतरीन चीजें हैं, जितने भी बड़े सपने हैं आपके दोस्तों, ये सब आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको हासिल हो सके। और एवरीथिंग योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ चॉइस यू हैव मेड। इफ यू वॉन्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, मेक अ डिफरेंट चॉइस।
इसको अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसका आप चुनाव करते हैं। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट चीजें चाहिए तो आपको अपना एफर्ट भी क्या करना होगा, डिफरेंट करना होगा। अगर कल तक जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही आता रहेगा जो कल तक आता रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ डिफरेंट करना है। जैसा कि सिविक खेरा जी ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो कल तक आप अगर 1000 पीवी कर रहे थे, अभी आपने क्या किया है, एक अलग ढंग से शुरुआत कर दी है उसकी। 3500 पीवी करने वालों को मैं बार बार इस चीज के लिए बधाई दे रहा हूं, आप सभी इतिहास लिखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं कि हम लोग हाउ टू अचीव योर गोल्स, जो ये बड़े टारगेट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक नए नजरिए से आज डीएक्शन प्लान को देख रहे हैं हम लोग। ये सारे टारगेट हमारे कैसे पूरे होंगे, तो इसका सिंपल सा चाबी है, वो चाबी क्या है, राइट डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम इन योर फ्रंट लाइन। दोस्तों ये फ्रंट लाइन शब्द का बहुत ही महत्व है इस इंडस्ट्री के अंदर में, जिसकी पावर से हम सब लोग लगभग लगभग अनजान बैठे हुए हैं कि डॉक्टर लिम ने जो खूबसूरत लाइन डिजाइन किया हुआ है, इसमें फ्रंट लाइन कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर इस चीज को हम लोग समझ लें और अपने फ्रंट लाइन में मजबूत लीडरशिप डेवलप करें, तो हम इस मार्केटिंग प्लान को कह सकते हैं ना कि चूस सकते हैं, इस मार्केटिंग प्लान से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। ओनली कब, जब हम अपने फ्रंट लाइन में सही डुप्लीकेशन करना सीख जाते हैं। फ्रंट लाइन मतलब आपकी फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमारा प्लान कंप्रेशन वाला है, फर्स्ट लाइन एक्टिव ना हो तो नीचे वाला ऊपर चढ़ जाता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, कई बार हम लोग यहां पे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये एक्टिव नहीं है तो ये तो हमारा फ्रंट लाइन बन ही चुका है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि बीच में वो बंदा क्वालिफाई करने लगता है और आपका यहां किया गया सारा मेहनत को बीच में खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको राइट है, उसने एक डिसीजन तो लिया था ना, एक बंदे को ज्वाइन कराया था ना। तो फ्रंट जनरेशन का, फ्रंट लाइन का इस सिस्टम में दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्व होने वाला है। तो हमें अपने सिस्टम को सही डुप्लीकेट कहां पे करवाना है, फ्रंट लाइन के अंदर में, आपकी फ्रंट लाइन जो आपके फ्रंट जनरेशन में आपके साथ में जुड़ी हुई है। और इसको बहुत ही मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको आप लोगों को समझाता हूं कि मान लो कि आपको एक ड्रीम होम बनाना है, एक सपनों का घर तैयार करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो खूबसूरत मकान है, इस मकान की बुनियाद को कैसा बनाएंगे आप, इसका जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को कैसा बनाएंगे आप, मजबूत या कमजोर। अगर फाउंडेशन ही कमजोर हुई तो ये मकान कैसा होगा दोस्तों। तो फाउंडेशन निश्चित रूप से हम क्या बनाएंगे, बेहतर से बेहतर, मजबूत से मजबूत। और इस फाउंडेशन के नीचे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं फाउंडेशन पिलर्स। दोस्तों आपका ये जो खूबसूरत मकान था, आपके सपनों का घर, आपके सपनों का महल, ये सारा का सारा मकान, ये सारा का सारा महल किस चीज पे खड़ा रहने वाला है, इन्हीं फाउंडेशन पिलर्स पे, उसका लोड यही उठाने वाले हैं। ये जितने मजबूती से खड़े होंगे, ये जितने मजबूत होंगे, ये जितने स्ट्रांग होंगे, आपका मकान उतना मजबूत होगा। और यही जड़ है, इसको अच्छे से अच्छा बनाना है, क्योंकि ये जितना ज्यादा मजबूत होगा हमारा मकान, आप सोच लो कि अगर ये कमजोर है और ऊपर आपने ऐसा ही खूबसूरत सब कुछ डिजाइन बना दिया है, खूबसूरत खिड़की, खूबसूरत पर्दे, दरवाजे, बत्तियां, लेकिन नींव ही कमजोर है, फाउंडेशन पिलर्स ही कमजोर है, दोस्तों आपका ये सपनों का घर कभी भी धराशायी हो सकता है। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि हमें इस जड़ को अच्छे से अच्छा बनाना है। इसका कितना महत्व है आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों घर बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसकी शुरुआत कहां से होती है, जब ये फाउंडेशन पिलर्स डालने की बारी आती है ना, वहां पे हम पूजा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि ये सब कुछ बढ़िया से हो, हमारा जो सपनों का घर है ये खूब बढ़िया हो, खूब मजबूत हो, टिकाऊ हो, उसके जड़ की पूजा करते हैं दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाउंडेशन कितना महत्वपूर्ण है। अब डीएक्शन की बात आती है, तो डीएक्शन में आपके सपनों के महल के फाउंडेशन पिलर्स कौन है, सिंपल चीज है ना,
कि आपके सपनों के फाउंडेशन पिलर्स यहाँ पे कौन है, आपके फर्स्ट जनरेशन वाले, आपके फ्रंट लाइन के लोग जिनको सीधे सीधे आपने जोड़ा हुआ है। कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन अगर एक्टिव ना भी हो तो नीचे वाले आपके लेवल में तो आ जाते हैं फर्स्ट, लेकिन वो जनरेशन कभी नहीं कहलाएंगे। यहां पे एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, फर्स्ट जनरेशन आपकी फ्रंट लाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन। तो आपके डीएक्सएन में जो आपके सपनों का महल आप लेकर के आए हुए हैं, जो सपनों का महल आप यहां बनाने वाले हैं, इसके फाउंडेशन पिलर्स कौन है, आपकी फ्रंट लाइन, यानी यही आपके इस सपनों के महल के जड़ हैं। इसी को ठीक रखना है, यही खुद करना है और यही सिखाना है। अगर आप अपने फाउंडेशन पिलर्स को मजबूत रखना सीख गए, ये सिस्टम आपने डाल लिया, तो क्या होगा, ये सेम चीज डुप्लीकेट होगा। लेकिन गलती से यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि आपके फाउंडेशन पिलर्स मजबूत ना हो, ये नीचे वाली जो तस्वीर दिख रही है, अगर आपके फाउंडेशन पिलर्स ऐसे ही हो जाए तो आपके सपनों के महल का क्या होगा दोस्तों, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों फ्रंट लाइन हमें बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री में तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वी स्पॉन्सर विल डू नथिंग एंड क्विट। आप हमें से किसी का भी नेटवर्क मार्केटिंग आपका जो बोनस आता है, आप अपना ग्राफ उठा के देख लो, पीवी रिपोर्ट उठा के देख लो, तो क्या होता है, आते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जाते भी उतने ही सारे तेजी में है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में आने वाले लगभग 80-90% लोग क्या होता है कि 90 दिनों में ही वापस हो जाते हैं, क्योंकि वो इसको ज्यादातर लोग तो बहुत ही आसान सा लॉटरी समझ के आ जाते हैं, एक फॉर्म भर दो, कुछ प्रोडक्ट उठा लो और तुम्हारी भी लॉटरी लगने वाली है। तो ज्यादातर लोग तो यहाँ सिस्टम फॉलो करने को तैयार नहीं होते हैं और क्या होता है, वो कुछ ही दिनों में वापस चले जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे पास सिंपल सा नियम है, टॉक टू मोर पीपल। आपको तो अपने सपनों का घर बनाना है, आपको तो अपने सपनों का महल बनाना है, आपको तो 20 मजबूत लाइनें खड़ी करनी है, आपको तो 20 एक्टिव लाइनें खड़ी करनी है, आपको तो 20 मजबूत फ्रंट लाइन खड़े करने हैं। तो क्या करना होगा, सिंपल चीज है, टॉक टू मोर पीपल। आप और लोगों से बात करें, नए लोगों को लाएं। क्योंकि सिंपल चीज है दोस्तों कि यहां पे हमें क्या करना है, पहले लोगों को कलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, आपके सिस्टम में आए, और फिर क्या करना है, उसे हमें सेलेक्ट करना है। कलेक्शन और सेलेक्शन, ये बिल्कुल जैसे मोती निकालने के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मोती कहां पे मिलता है, सीप के अंदर में मिलता है, और ये सीप कहां पे मिलते हैं, समुद्र के नीचे मिलते हैं। अब अगर आपको मोती चाहिए तो आपको क्या करना होगा, समुद्र में डुबकी लगानी होगी, नए लोगों को लाना इस सिस्टम में बिल्कुल ऐसा ही है कि हर बार जाइए, डुबकी लगाइए, लेकर के बाहर आइए। तो पहली बार में आपने क्या करना है ना कि सीपें निकालती जानी है, सीप इकट्ठे करते जाओ, सीप इकट्ठे करते जाओ। अब दूसरी चीज क्या है, राइट डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन के लिए राइट आदमी का सिलेक्शन करना है हमें, कलेक्शन और कलेक्शन के बाद में सिलेक्शन। तो पहली बार हमें क्या करना है कि सीपीओ का कलेक्शन करते चले जाओ। अभी ये टेंशन नहीं लेना है कि कौन बंदा राइट डुप्लीकेशन के लिए तैयार है कौन नहीं है। पहला काम हमने क्या किया, कलेक्शन किया, देन अब हम सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप बहुत सारा सीपी लाए, आप खोल के देखो मोती किसके अंदर में। तो डीएक्शन में भी क्या हुआ, आपके फ्रंट जनरेशन में ढेर सारे सीप इकट्ठे हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको खोल के देखना है, इस सीपी को खोल के देखो, और इस सीपी में से अगर 1 तारीख को 10:35 पीवी निकलता है तो मतलब क्या हो रहा है कि आपके इस वाले सीप में मोती है। ये सिंपल चीज है दोस्तों, कलेक्शन और सिलेक्शन। आपको सही लोगों के साथ काम करना है, फ्रंट लाइन में सही लोगों का डुप्लीकेशन करना है। तो ये 3500 पीवी जो है ना, एक लैंडमार्क है कि सामने वाला बंदा कितना सीरियस है। आप चुन करके ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हो, टीम में आपके ढेर सारे लोग हैं, फ्रंट लाइन में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हैं, लेकिन आप चुन सकते हो कि इन इतने सारे सीपीओ में से मेरा मोती कौन सा है, और इन मोतियों के साथ में आपको क्या करना है, ज्यादा समय देना है, डुप्लीकेट करना है इनके साथ में। क्योंकि ये जो मोती वाले हैं ना, इनको पता है ये मोती आगे निकालने का विधि जानते हैं,
अब यहाँ पे नए लोगों को थोड़ा सा छूट दिया जा सकता है कि जो अभी नन स्टार लोग हैं वो एकदम शुरुआत में अगर 1500 पीवी कर रहे हैं तो भी वो मोती, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ही नए, अभी उन्होंने इतना सीखा नहीं है। तो नन स्टार लोगों को इतनी छूट आप दे सकते हो कि अगर वो 1 तारीख को 10 बजे 1500 पीवी के साथ आ जाते हैं ना तो वो भी आपके मोती हैं। लेकिन स्टार के बाद तो किसी भी हालत में बिल्कुल कठोर शब्दों में, मैं अग्रवाल जी की तरफ से ये बोल रहा हूं, बिल्कुल कठोर शब्द आप अंदाजा लगा लो कि 3500 से कम में कोई छूट ही नहीं देनी है। 3500 किया वही आपका मोती है और ऐसे लोगों के साथ में ही आपने काम करना है दोस्तों। स्पेंड योर टाइम वेयर इट इज डिजर्व। आपके टीम में ढेर सारे लोग हैं, आपके फ्रंटलाइन में ढेर सारे लोग हैं, सब आपसे समय मांग रहे हैं, सब आपका टाइम मांग रहे हैं, सर मेरे लिए भी समय दीजिए, मुझे भी मीटिंग करने के लिए समय दीजिए। लेकिन किसे ज्यादा समय देना है ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा ये तरीका कि आपके टीम में सीपियां ढेर सारे हैं, मोती कितने हैं, और उन मोतियों के साथ में हमें दोस्तों समय देना है। अगर ये हमने सीख लिया तो मतलब हमने राइट डुप्लीकेशन की ओर, सिस्टम के राइट डुप्लीकेशन की ओर कदम बढ़ा दिया। ये 3500 पीवी मैंने शुरू में बताया था कि आप में से जितने लोगों ने भी बताया बनाया है ना दोस्तों, इतिहास रचा है आपने। जब इसका डुप्लीकेशन होगा ना तो आपका नाम हमेशा अग्रणी लीडर्स में आएगा। तो हमें अभी जितने भी लोग मोती बन चुके हैं मोतियों के साथ ही काम करना है, उन्हें सिंपल इस चीज को डुप्लीकेट करना है। और जो नए लोग हैं, जो मोती हैं आपके 3500 वाले मोती, 1500 वाले मोती, इनको कुछ सिंपल चीजें हमें फॉलो करनी है। ये भी आपको तय करने में मदद करेंगे कि मोती आपका कौन सा है, कि आपके जो मोती हैं जिनको आपको समय देना है, इनका पहला काम यह होना चाहिए कि ये अपने ड्रीम को अपने घर की दीवार पे और अपने दिल की दीवार पे छाप दें, टांग दें, लगा दें। ये जो कर लेते हैं वो क्या है, आपके मोती है। मैं जो अभी ये बात करने जा रहा हूं ना, ये दिस इज नॉट हमारे जो कोर या सिस्टम की बात ये नहीं हो रही है, ये कुछ क्विक स्टार्ट है। कोई भी बंदा जब इस सिस्टम में आता है तो किन आसान चीजों के साथ वो इसको शुरू कर सकता है, किन चीजों को वो फॉलो करना शुरू कर दे ताकि धीरे धीरे वो सिस्टम में आ जाए। तो पहला काम क्या करना है हमें कि आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को अपने घर पे अपने दीवार पे टांग देना। और घर पे दीवार पे टांगने का क्या महत्व है, ये आरती मैम का जो वीडियो है, प्रवीण सालुंखे सर की मैडम आरती मैम, उनका एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। कैसे उन्होंने बताया कि मेरा जब छोटा सा घर था ना तो बिजली मीटर के पास मैंने लगा के रखा था कि 1 करोड़ का मकान लेने वाली हूँ, और लोग आके उस पे हंस के जाते। आज दोस्तों ये सपना जो कल को लोग हंस रहे थे उनके ऊपर में, आज इस सपने को वो लोग जी रहे हैं। तो आपको अगर अपना सपना पूरा करना है तो आपको क्या करना है, अपने इस ड्रीम को अपने दीवार पे लगाना है, अपने दिल पे लगाना है। बिजनेस से संबंधित सभी लिटरेचर किताबें क्या करनी है, जल्दी से जल्दी खरीद करके जो भी टूल्स हैं आपके, जो सीनियर ने आपके बताए हैं, वो आपको इकट्ठा कर लेना है। आप खुद रोज समय से आखिरी तक DXN RBC मीटिंग को देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट अपने सही सीनियर को भेजेंगे हर 15 मिनट पे। दोस्तों 7 बजे का जो ये प्रोग्राम डेली हमारे चैनल पे चल रहा है, आप देखोगे कि अभी देखते समय इसकी व्यूइंग 1000-1500 के आसपास होती है और फिर रात जाते जाते इसकी व्यूइंग जो है ना वो हजारों में हो जाती है। कल तक तो पता नहीं, इसका एक ही मतलब है कि ढेर सारे लोग इस प्रोग्राम को 7 बजे नहीं देखकर बाद में देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं। दोस्तों ये सिस्टम के बिल्कुल विरुद्ध है। ये 7 बजे का प्रोग्राम आपका, जैसे पहले टीवी पर रामायण आता था तो क्या होता था, घर के सारे सदस्य सारा काम छोड़ करके बैठ जाते थे कि भाई रामायण आ रहा है, अभी तो ईश्वर को याद करना है और कुछ नहीं। दोस्तों ये 7 बजे वाला प्रोग्राम आपका ऐसा ही होना चाहिए। इसको आज के डेट में आप देख लो, कहीं भी कोई मीटिंग नहीं हो रही, फिजिकल मीटिंग्स कहीं पे नहीं हो रही, लोग कहीं पे इकट्ठा नहीं हो रहे, ऐसी हालत में ये आपका जबरदस्त मीटिंग टूल है। 7 बजे आपको अपना हर काम छोड़ करके इस प्रोग्राम के लिए बैठ ही जाना है। इस समय कोई भी फोन आए ना तो उसको बताओ यार 7 बजे तो मेरा मीटिंग होता है, अभी ये मीटिंग से खत्म हो जा, फ्री हो जाऊंगा ना, फिर मैं तुझे कॉल करता हूं। आपको एक नया प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा। आप इसको हैबिट में डाल लो, 7 बजे से लेकर जब तक मीटिंग चल रही है, लगभग 8-8:30 तक मीटिंग चलती है, आप अपने हैबिट में डाल लो कि मुझे हर हालत में
DXN YouTube पे चैनल पे होना ही होना है, DXN RBC YouTube चैनल पे होना ही होना है, और इसको डेली का रूटीन बना लेना है। अगर ऐसा करोगे दोस्त ना, इस बुरे हालात में, कोरोना में, लॉकडाउन में भी आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा, नए लोग मिलेंगे, बसरते पूरी भक्ति के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे सबमिशन के साथ, समर्पण के साथ रूटीन बना लो कि नहीं 7 बजे से लेकर के जब तक के प्रोग्राम चलता है मेरा कोई काम नहीं है, मैं कोई फोन कॉल रिसीव नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। दोस्तों ऐसा करके देखो सिस्टम का क्या जादू है, ये जादू आपके काम करेगा। कम से कम 500 लोगों का कॉन्टेक्ट रजिस्टर तैयार करें और रोज इसमें कम से कम 5 नए नाम जोड़े। कल किससे मिलना है, कहां जाना है, इसकी पूरी योजना आज बना लें। रोज अपने घर पर एक निश्चित समय पर खुद से होम मीटिंग करेंगे। आज के डेट में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 7 बजे वाली मीटिंग आज के डेट में निश्चित पॉसिबल है। रोज दो बड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे। डेली हमें प्रयास करना है 2 प्रोडक्ट रिटेल करने का, और रोज क्या किए इसका रिपोर्ट अपने सही सीनियर को भेजेंगे। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, आपका डेली का हैबिट होना चाहिए। और बुक ऑफ द मंथ जो हर महीने अभी हमारे महागुरु प्रोफेसर सर अनाउंस करते हैं, इस किताब को निश्चित रूप से खरीदिए और रोज आधा घंटा समय निकाल के इस किताब को पढ़ना है। और अपने बैठका में, यानी आपका जो ड्राइंग रूम है, जो भी जहां भी आप गेस्ट को बैठाते हैं, प्रोडक्ट का शोकेस और किताब मैगजीन का सेल्फ अच्छे से बना लेंगे ताकि सभी को आसानी से दिखे। आपके घर में जो भी जगह है जहां पे भी मेहमान आकर के बैठते हैं, वहां पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होना बहुत ही जरूरी है। वहां पे लिटरेचर्स भी मौजूद होने चाहिए ताकि घर में कोई भी मेहमान आता है तो वो आसानी से इसे देखे और वो आपसे सवाल करे कि ये क्या है। और हर महीने 3500 पीवी 1 तारीख को, कितने तारीख को, 1 तारीख को फर्स्ट आवर में टॉप पॉइंट खुलते ही आपका लॉगिन हो जाना चाहिए। ये चीजें आपको फॉलो करनी है और किसी सीनियर की मदद का इंतजार नहीं करेंगे, खुद से सब कुछ करने के लिए अभी से तैयार हो जाइए। दोस्तों ये सारी, ये जो 12 चीजें अभी आपको बताई जा रही है, क्या है ये, जो जो फॉलो करेगा उनके साथ आपको काम करना है। ये आपके मोती हैं, 3500 पीवी कर लिया, ये आपके मोती हैं, इनके साथ हमें काम करनी है। किसी सीनियर से मदद का इंतजार नहीं करना है, खुद से, मैंने जैसे कि हम लोग एक स्लाइड में भी देख चुके हैं कि ओनरशिप लेनी है, इस बिजनेस के मालिक आप हो, तो आपको किसी हेल्प का इंतजार नहीं रहना चाहिए, आप खुद से आगे बढ़ के अपने बिजनेस को लीड करो। और ऐसे किसी डायमंड रूबी स्टार की टीम पर काम नहीं करेंगे जो खुद इन सभी शर्तों का पालन नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम खुद तो सिस्टम फॉलो करेंगे, सिस्टम करने फॉलो करने वालों के साथ में काम करेंगे, और किसी भी ऐसे आदमी का साथ नहीं देंगे जो सिस्टम फॉलो नहीं करता है। और दोस्तों ऊपर के जो भी 12 पॉइंट है, ये कोई बेसिक या कोर नहीं है हमारा, ऊपर के 12 पॉइंट आपको तत्काल जितने भी नए लोग आपके आ रहे हैं ना उनको सिखाना है और खुद से भी शुरू कर देना है, सारी की सारी चीजों को सिस्टम का पालन करना है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार आपको चीज बता रहा हूं यहां पे, और हर बार आपको ये सिखाया जाता है कि ये बिजनेस टोटली सिस्टम का खेल है। सिस्टम आपको आदमी बना सकता है, सिस्टम आपके सपने पूरे करा सकता है, आपको सिस्टम हर हाल में फॉलो करना ही होगा। इकलौता रास्ता है सिस्टम जो आपको बड़ा से बड़ा सपना आपका पूरा करवाएगा, हो सकते हैं आप 100% सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड हो जाएं। क्योंकि अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप कितना भी माथा लगा लें, कितना भी दिमाग लगा लें, आप कितने भी तेज हैं, आप कितने भी होशियार हैं, कितनी भी बड़ी डिग्री लेके आए हुए हैं, आपके लिए हर चीज यहां पे बेकार है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री, DXN इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के द्वारा आपको सक्सेस दिलवाएगी। तो अपने सारे दिमाग को, आप जितने भी होशियार हैं, आपके पास जिस फील्ड का महानॉलेज है, उस महानॉलेज को एक साथ कहीं ताका पे रख दीजिए, और यहां के जो नॉलेज वाले लोग हैं, यहां के जो गुरु हैं, यहां से जो सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है, आंख मूंद के इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। इकलौता रास्ता है अगर आपको इस बिजनेस में अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करना है। क्योंकि आप अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता नहीं दिलवा सकती। आप देख लो जितने भी लोग आज के डेट में आपको सफल मिलेंगे, जो भी टॉप चेहरे हमारे, दे आर ओनली बिकॉज उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है। और दोस्तों इतना शर्त पूरा करने वाला हर महीने में कम से कम 1 आदमी लाने का प्रयास करना है। क्या करना है हमें, इतना शर्त पूरा करने वाला हर महीने में 1 आदमी जरूर लाना है। कौन सा आदमी, जो मोती है, जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है।
ये 11 शर्तें अगर वो पूरा करेगा ना, तो धीरे धीरे दोस्तों वो सिस्टम को अडेप्ट कर लेगा, कुछ ही दिनों में शर्तें वो इन शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हो। और दोस्तों अगर हमने एक बार इस डुप्लीकेशन को करना शुरू कर दिया कि एवरी वन ब्रिंग वन एवरी मंथ, हर आदमी हर महीने सिर्फ एक आदमी लेकर के आता है, तो ये मैजिक हम सबके सामने में है। आजकल व्हाट्सएप पे भी ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी कि आप इस महीने एक आदमी को लेकर के आते हैं, सिर्फ एक। अब अगले महीने आप कितने लोग हो गए? एक आप, एक वो, दो लोग हो गए। अभी क्या होगा अगर महीने में सिर्फ एक आदमी लाने की डुप्लीकेशन पे हम चलते रहे ना, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सिंपली मल्टीप्लाई होते हम लोग चले जाएंगे दोस्तों। और मल्टीप्लीकेशन और डुप्लीकेशन, आप लोगों ने आइंस्टाइन के बारे में वो जरूर सुना होगा जो बोलते हैं कि ये जो पावर है ना, ये दुनिया का आठवां अजूबा है, इस पावर से कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी खूबसूरत कहानी भी है कि एक बड़े दानवीर राजा थे, उनके पास जो आए कुछ भी मांगने वो देते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके पास एक साधु आए और राजा उस समय चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। तो राजा ने हमेशा की तरह उस साधु से भी बोला कि आपको जो मांगना है मांगिए। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मुझे आपके यहाँ जो चेस बोर्ड है ना, मुझे उस चेस बोर्ड के पहले खाने पर एक दाना रखिए आप, दूसरे पे दो, तीसरे पे 2×4, और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए जितना भी अनाज होता है ना उतना दे दीजिए। राजा को ये बात बिल्कुल मजाक लगी थी। वो बोले कि साधु आप कुछ भी मांग सकते हैं, फिर आप ये छोटी चीज क्यों मांग रहे हैं? तो साधु ने मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, आप मुझे बस ये ही दे दो, इतना ही चाहिए। और दोस्तों राजा ने बहुत ही लाइटली लिया इस चीज को, उन्होंने अपना चेस्टबोर्ड उठाया, अपने सेवकों को दिया, बोला जाओ और इस पे चावल रखो और इनको दे करके विदा करो पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। पर दोस्तों थोड़ी ही देर में वो दौड़ते हुए, जो सेवक उनको चावल देने के लिए, अनाज देने के लिए गए थे ना, वो थोड़ी देर में दौड़ते हुए वापस आते हैं और बोलते हैं कि, राजा से बोलते हैं कि चेस बोर्ड पे जिस तरह से डुप्लीकेट हो रहा है, जिस तरह से अनाज के दाने बढ़ते जा रहे हैं, वो इतना अनाज हो चुका है जितना अनाज हमारे भंडार तो क्या शायद दुनिया में मौजूद नहीं। राजा को इमेजिन नहीं हो पाया कि ये चेस बोर्ड का सिंपल सा जो बोर्ड पे, वो बहुत ही मजाक में ले रहे थे। तो ये पावर है दोस्तों डुप्लीकेशन की। ये शुरुआत में क्या होता है कि बहुत ही छोटा दिखता है, हमें शुरुआती रिजल्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन ये डुप्लीकेशन की पावर इतनी बड़ी है कि ये पावर आपको अपना प्राइवेट जेट दिलवा सकता है, आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। कौन सा पावर? डुप्लीकेशन, सिस्टम का डुप्लीकेशन। और आज ही प्रोफेसर सर ने ये फोटो भी हमें व्हाट्सएप पे भेजा था ना कि ओन योर ओन प्लेन, ये किताब है बहुत ही खूबसूरत, इट कॉस्ट लेस देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो उतनी महंगी नहीं है, बहुत ही सस्ती है, आप ले सकते हो। करना क्या है? ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने भी कहा है, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ संभव है अगर आप सोच लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज? फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट, फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट, फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट। सिंपल चीजें, जो अभी यहाँ पे आपको 14 चीजें बताई गई हैं 3500 पे भी एक तारीख को करने के साथ साथ, इनको करना शुरू कर दीजिए, सिस्टम धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और इसी चीज को फॉलो करना है, डुप्लीकेट करना है, खुद करना है, करने वाले लोग लाना है। और अगर ऐसा शुरू कर देंगे दोस्तों, तो जेट प्लेन आपका कैसे आ सकता है, ये गणित आपके सामने अभी आने जा रहा है। यहाँ पे 10 में से एक, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस की ही बात करेंगे हम लोग, 20 लाइन में अगर 4 जनरेशन सिस्टम का डुप्लीकेशन, अभी तक हम लोगों ने 3 जनरेशन को देखा था, अगर 4 जनरेशन आपने सही डुप्लीकेशन करवा लिया दोस्तों, तो लगभग 1.2 करोड़ हर महीने कौन सा बोनस आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस। और ये पूरे कैलकुलेशन के साथ में आपके सामने। और जैसा कि अग्रवाल सर बोलते हैं कि आप अभी बिल्कुल नए हो, एक बार में नहीं होगा, लेकिन आप 12 साल का गोल तो बनाओ, 10 साल का गोल तो बनाओ, एक अपना लंबा प्लान तो बनाओ, एक बड़ा सपना तो देखो,
धीरे धीरे डुप्लीकेशन की पावर ये चीज आपके लिए संभव बना देगी। और दोस्तों ये सिर्फ एक बोनस है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ये 25 करोड़ रुपए सिर्फ एक बोनस है। और जैसा कि कैलकुलेशन बोलता है मार्केटिंग प्लान का, ये आपको अगर इस गणित से आपका काम होता है, इस सिस्टम से आपका काम होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट बोनस, ये 5 गुना होगा। यानी कि 25 करोड़ का मतलब है 5 गुना। आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 6 करोड़ हर महीने आएगा। जेट प्लेन आ सकता है कि नहीं, गूगल पे जाओ, जेट प्लेन की कीमत सर्च कर लो, अभी पता चल जाएगा कि इस इनकम के साथ में आप जेट प्लेन हासिल कर सकते हो, क्योंकि इट कॉस्ट लेस देन यू थिंक, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। और फिर से एक बात आती है, सिंगल लेक मैजिक, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान की खूबी भी है। और बहुत बार आप बोलोगे कि सर कहीं हमारा 20 डुप्लीकेशन ना हुआ तो क्या होगा। भैया एक तो होगा, 20 को ना सिखा सकते हो, एक बंदे को सिस्टम सिखा सकते हो। अगर एक बंदे को आपने सिस्टम डुप्लीकेट करना सिखा दिया, अगर एक आदमी आपके फर्स्ट जनरेशन में ऐसा आ जाता है जो हवाई जहाज खरीदने का ड्रीम रखता हो, जो अपना जेट खरीदने का ड्रीम रखता हो, तो लगभग 62 लाख रुपया हर महीने आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस आ सकता है। हेलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बोनस। हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं भी दूसरे इनकम की चर्चा ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक बोनस, दैट इज डेवलपमेंट बोनस। 62 लाख, 20 में नहीं हो पाया, एक में हो गया, एक बंदे ने इसको डुप्लीकेट कर लिया। यानी आसमान से गिरोगेगी, गिरोगे भी तो खजूर पर पक्का अटकोगे। जेट ना भी आएगा ना, 65 लाख महीने में तो यार जो चाहे कर सकते हो, मर्सिडीज, ऑडी, जो भी सपना आप देखते हो, सपनों का घर, सपनों की जिंदगी। एक लाइन अगर आपका सही डुप्लीकेट करने वाला मिल गया, आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। कैसे? सही डुप्लीकेशन। लेकिन ये सही डुप्लीकेशन होगा कब? एक बंदा भी चलो मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? जब ये डुप्लीकेशन आप खुद कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो आप कर रहे हो, 1 तारीख को 3500 पीवी आपकी बन रही हो, अगर ये करने की हैबिट आपने डेवलप कर ली है ना, तो यार एक तो मिल जाएगा ना, मुर्दा को भी 4 मिल जाते हैं घाट तक पहुंचाने के लिए। आप जिंदा आदमी हो अगर सिस्टम को डुप्लीकेट करोगे, सिस्टम के बारे में बात करोगे, तो एक मिल जाएगा और एक आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिंपल चीज है दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। कैसे? सिंपली सिस्टम से। फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट, फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट, और फर्स्ट जेनरेशन में। यही जर है, इसी को ठीक रखना है, यही खुद करना है, यही सिखाना है। ये दुनिया में कुछ भी आपको हासिल करवा सकता है। और सिंपली अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, एक बार आप इस डुप्लीकेशन को करना सीख गए, तो अभी तक हम लोगों ने 4 जनरेशन तक डुप्लीकेशन देखा है। अगर 5 जनरेशन में आ जाते हैं आप, 20x20 का 5 जनरेशन में डुप्लीकेशन हो गया, तो ये इतना बड़ा इनकम बन जाता है सिर्फ एक बोनस से, आप सोच भी नहीं सकते। लगभग 12 करोड़ रुपए आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बोनस, जिसका नाम है डेवलपमेंट बोनस। 10 में से सिर्फ 1, ध्यान रहे, IOC है, इतना पावरफुल प्लान। इसके अलावा डेवलपमेंट बोनस आपको दे सकता है इतनी बड़ी इनकम, ओनली 20x20। क्राउन एम्बेसडर बनो, क्राउन एम्बेसडर बनाओ के फॉर्मूले पे चल के, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। तो दोस्तों यदि आपको डुप्लीकेशन की पावर समझ में आ गई है, तो आप बड़े से बड़ा प्लान कर सकते हैं। और ये जो बड़े से बड़ी प्लानिंग है ना, इस पे आदरणीय अग्रवाल सर ने बहुत ही जबरदस्त फोकस किया है आप सबों के लिए। उनका कहना है कि यार जब इतना पावरफुल प्लान है ये, तो 20 पे क्यों काम कर रहे हो, 100 पे करो, 100 लाइन की तैयारी करो। आपने फ्रंट लाइन में 100 लोग ऐसे तैयार करो जो आपको डुप्लीकेट कर सकें। 100 मोती निकालो, और ज्यादा सीपी आपको समुद्र से निकालनी पड़ेंगी, लेकिन 100 मोती वाले सीप निकालो, 100 डुप्लीकेट करने वाले लोग तैयार करो। और अगर इस पे आप काम करते हो दोस्तों, आने वाले 15 सालों की प्लानिंग करके, तो ये जो सर ने ग्राफ दिया है, ये सिंपली आप देख सकते हो कि ये क्या इनकम जनरेट कर रहा है। 81, 2, 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ रुपए। किस चीज से? वन एंड ओनली
डेवलपमेंट बोनस है दोस्तों, याद रहे इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं भी कोई भी दूसरे बोनस की चर्चा नहीं की है, वन एंड ओनली दैट इज ओनली डेवलपमेंट बोनस। 62 करोड़ रुपए हर महीने हो सकते हैं अगर हम सिस्टम का सही डुप्लीकेशन अपने फर्स्ट जनरेशन से करवाने में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? खुद से होगी। 3500 पीवी सबसे पहले किसको करना होगा? आपको करना होगा। आप करोगे तभी डुप्लीकेट होने की उम्मीद कर सकते हो दोस्तों। और ऐसा करना एक बार सीख गए ना तो जिंदगी में जो भी ड्रीम आपने देखा है, आपकी अपनी प्राइवेट यॉट हो, आपका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर हो, आपका अपना प्राइवेट आइलैंड हो, दोस्तों आज कई सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी चीजें हासिल की हुई है। ये कोई सपनों की बात नहीं है, ये रियलिटी है। लोगों ने हासिल किया है थ्रू सिस्टम, थ्रू राइट डुप्लीकेशन। हमने आज तक इन चीजों की बात नहीं की थी। तो दोस्तों सिंपल चीज है कि राइट डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम आपको कुछ भी दिलवा सकता है। और अपनी बातों को मैं फिर से वहीं से लेकर वहीं पे लेकर आता हूं जहां से मैंने शुरुआत करी थी कि आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो दोस्तों कुछ नया सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए। आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फैंटास्टिक, सुपर। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग सेशन। अभी आपने जो बताया, अभी तक हमने इसके बारे में बातें भी नहीं किया, काम करने को छोड़िए बातें भी। ये अभी टाइम आ गया है नॉट ओनली इसके बारे में बातें करना, काम के साथ दिखाना। जो हमने निर्णय लिया है 3500 पीवी 1 तारीख 10 बजे के अंदर, सपोज जो लोग रियली इस तरह का इनकम को उठाना चाहते हैं वो खुद करने को शुरू करे, तो ये बिजनेस में इतना छोटा टर्नओवर में करोड़ों रुपए कमाने का जो अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई भी बिजनेस में नहीं। अभी एक बिजनेस में करोड़ कमाने हैं तो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है, एटलीस्ट 100 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट, 200, 300, 500 करोड़। वो 500, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद भी कंपनी सिक बनता है, लॉस होता है, क्लोज होता है, हजारों करोड़ का कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में गिर जाता है, हम सभी को मालूम है। अभी कोई भी हमने इन्वेस्ट नहीं किया, कोई भी रिस्क नहीं उठाया, कोई भी ओवरहेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक गारंटी, बैंक के लोन, कल क्या घर अटैच होंगे, कार अटैच होंगे, कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं है। 3500 पीवी का खरीदना हमारा खुद कंजम्पशन के लिए, सोप, शैम्पू, पेस्ट, कॉफी, चाय वगैरह 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 जो डीएक्सएन में मिलता है, अभी एक एक पीस, एक एक प्रोडक्ट को खरीदे तो 3500 पीवी नहीं, ये लगभग 15-20 हजार के ऊपर पीवी को हमको चाहिए अभी, एक एक पीस खरीदे। अभी 3500 पीवी थोड़ा प्रोडक्ट, अभी जो हमारे साथ 25-30 जो प्रोडक्ट है, इसमें जो हमको मोस्ट नीडेड न्यूट्रिशनल आइटम्स आर डेली एफएमसीजी प्रोडक्ट, डेली यूजेबल प्रोडक्ट, सोप, शैम, सभी ये डेली यूजेबल, काफी चाय, ये खरीदे तो 3000 पीवी ऑटोमेटिकली आएंगे। 3000 पीवी खुद खर्चा करो, खुद उसको इस्तेमाल करो, नहीं बताता है हमने नया लोग को। 3000 पीवी में रिटेल भी करो, 3000 पीवी में नया लोग को भी जोड़ो, कैसा भी बनाओ, नॉन स्टार ग्रुप से आप 3000 पीवी को जोड़ो, किसी भी तरह जोड़ सकता है। इसके भी आसान बिजनेस प्लान दुनिया में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है ढूंढे तो। अभी करोड़ों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी का ये सेक्टर में जो डुप्लीकेशन हो गए तो, सिस्टम को फॉलो करे तो, साधारण से 10,000 टर्नओवर में रुपीस में, 3500 रुपया ये 10,000 के नीचे आता है, 8,000 या 9,000, बट मैं राउंड ऑफ करता हूँ, ऑलमोस्ट 10,000 सेल्स टर्नओवर, हमारा टोटल टर्नओवर महीने में का 10,000। इसमें आपको मालूम है 500 रुपये कमाने के लिए, डेली 500 रुपया कमाने के लिए, छोटा मोटा धंधा में, छोटा मोटा बिजनेस में, माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस में
रोड में माल डालकर बेचने का बिजनेस में, सब्जी का बिजनेस में, वेजिटेबल बिजनेस है, फ्रूट वेंडर ने 500 रुपए कमाने के लिए वो 20-30-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करके बैठता है। ये छोटा दुकान को चलाने के लिए कितना, पेट्टी शॉप हम बताता है, पेट्टी शॉप में भी माल 1-2 लाख डालकर 500 रुपया का प्रॉफिट उठाने के लिए वो उसका टाइम इन्वेस्ट करता है, सभी बर्बाद करते हैं, वो गारंटी नहीं है। अभी हमने इतना बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस, होल दुनिया हमारे हाथ में है, होल वर्ल्ड हमारे हाथ में है, ये थियरी नहीं है। हमने अभी देखा है मेरा नेटवर्क से 20 बरस में 122 कितना 225 कंट्रीज, 222 कंट्रीज, बिकॉज मैडम वो ई वर्ल्ड में डेली देखते हैं कितना का, 222 कंट्रीज में प्रैक्टिकली हमारा मेंबरशिप है। दैट मींस इट हैज प्रूवन दैट, आपने बताया 200 कंट्री के ऊपर, 222 कंट्रीज में हमारा मेंबर, कंट्री का नाम के साथ ईच कंट्री में कितना मेंबरशिप है, मेरे साथ रिकॉर्ड है, मेरे साथ रिकॉर्ड है, किसी को रिकॉर्ड चाहिए तो मैं दूं, मेरे साथ रिकॉर्ड। हमने यहां बैठकर इंडिया का एक कोने में बैठकर, चेन्नई में बैठकर 222 कंट्रीज में हमारा नेटवर्क गए, तो किसी ने किसी थोड़ा डुप्लीकेशन किया, मेरा भी एक ही लाइन में डुप्लीकेशन, मेगा लाइन एलिफेंट लेग, इसमें 222 कंट्रीज को गए, तो अभी रियल वॉल्यूम के साथ हम डुप्लीकेट करें तो कहां जाता है, कितना लोग कमा सकता है, कितना करोड़ कमा सकता है। अभी मार्केट का हमने ओपन भी नहीं किया, अभी 222 कंट्रीज को प्रोडक्ट हमने एक एक कंट्री का, एक एक बंदा ने एटलीस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, वहां स्टॉक पॉइंट भी नहीं गया, कंपनी ऑफिस आज आपको मालूम है मोर देन 70 कंट्रीज कंपनीज का अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिसर्स ब्रांचेस स्टॉक पॉइंट है, बहुत कुछ कंट्रीज में फ्रेंचाइजी के रूप में प्रोडक्ट चलता है, बहुत कुछ कंट्रीज में, नाइबरिंग कंट्रीज में, अभी हमने नाइजीरिया खोला, वहां अफ्रीकन मोर देन 15 कंट्रीज को प्रोडक्ट चलता है, ये नाइजीरिया से कहीं भी अफ्रीकन कंट्रीज को कुरियर भेज सकता है, वहां मेंबर बना सकता है, एक कंट्री ओपन हो गए तो 10-15 कंट्रीज को स्प्रेड होता है हमारा नेटवर्क। अभी आज ऑनलाइन का जबरदस्त पावर मिलने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, उसका फायदा हम सभी जबरदस्त उठाना है। अभी रियली मोस्ट पावरफुल ये सिस्टम को हम अडॉप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, मेरा अपील है सबको, सिंपल डुप्लीकेशन इज ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन कैच वन नहीं, बिकॉज लोग बताए यहाँ नेटवर्क में कैच करना, कैच करना, हम किसी को कैच करना नहीं गए, वो फिश नहीं है कैच करने के लिए, मछली पकड़ना नहीं, ईच वन टीच वन, ईच बंदा ने एक आदमी को सिखाए तो परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। आई एम श्योर दैट आपने आज एक ही बोनस को दिखाया आउट ऑफ 10 बोनस स्टार डेवलपमेंट में, अभी ये सभी के मोस्ट पावरफुल बोनस है, ये 10 में सभी का मोस्ट पावरफुल बोनस कौन सा है बताए, लीडरशिप बोनस, उसको एक दिन आप रेडी करके आना, दैट इज द वेयर द मनी इज देयर, डिगिंग 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 डिगिंग, डेप्थ जाने से आप क्वालिफाई करके क्राउन एम्बेसडर बनकर डायमंड को प्रोड्यूस करो, हजारों डायमंड को, 2,000, 3,000, 5,000 डायमंड को आपका इनकम सोच भी नहीं सकता है, वो हो सकता है। मार्केट प्लान डीएक्सएन हैज गिवन पावरफुल टूल एंड प्रोडक्ट इज पावरफुल एंड कंपनी इज पावरफुल, लीडरशिप इज मोस्ट पावरफुल। अभी आपका जैसा लीडर्स हमारे साथ है, हम डेफिनेटली आने वाले दिन में नेटवर्क इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री हम रचेंगे, हम हिस्ट्री को बनाएंगे। डेफिनेटली सर, और सर ये सिर्फ क्रेडिट मुझे मत दीजिए, क्योंकि मैं इसका सारा क्रेडिट अग्रवाल सर को देना चाहता हूँ, उनके मार्गदर्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं था सर। डेफिनेटली सर, बहुत हार्दिक आभार सर। अग्रवाल सर तो चाणक्य है, वो पीछे से ही सबको आइडिया देकर चुपचुप पर्दे के पीछे करने वाला, सभी सामने ऑफकोर्स हमको चाहिए। आई एम श्योर दैट यस आई नो टुडे ही वॉज discussing with me also another plan, I will also have to come out with another, you know, simple duplication how it will be. And sir, this is definitely, I must thank Agarwal. Agarwal is there always. Agarwal is there along with me, without him nothing moves. And I must thank him to bring such a naya, you know,
ideas in marketing plan or leadership or team building, various aspects. Definitely, हम बहुत जबरदस्त इसको implement करेंगे. सभी RVC को leaders को ये माध्यम से आज मेरा appeal है. कितना ज्यादा 3500 PV आप जोड़ सकता है 1 अगस्त में, उसको अभी से तैयारी करना. एटलीस्ट एक लीडर, एक पर्सन, एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया 3500 PV को 1 ऑफ नेक्स्ट मंथ ऐड होना. अभी हो गए तो ये मल्टीप्लिकेशन वहाँ से शुरू होंगे. बहुत बड़ा ग्रोथ हम देखेंगे. सबका भलाई के लिए काम करेंगे. सभी कमा सकता है, सबको अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है. और एक बात हम